शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जी, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, मैं तो रह सकता हूँ एक मिनट और। ठीक है सर, बहुत माल आया माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, कैसे आप? ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मुबारक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसमें आज हम यहाँ पे सुरनकोट में हैं। यहाँ पे काफी सारा लोग तशरीफ फरमा है। हमारे जो न्यूली इलेक्टेड एमएलए हवेली हैं, वो यहाँ पे तशरीफ फरमाए थे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने उनको मुबारकबाद पेश की और उनका खैर मकदम किया। काफी ज्यादा लोगों की तादाद थी यहाँ पे और लोगों की उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो हमारे यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के एमएलए हैं और आने वाले वक्त में वो लोगों के लिए बेहतर जो है वो सोचेंगे। कश्मीर के आवाम के लिए एक मुबारक का दिन हम तसव्वुर करते हैं, जबकि 10 साल के बाद यहाँ पे कुलेशन सरकार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की कयादत में बनी है और उमर अब्दुल्ला साहब को और फारूक अब्दुल्ला साहब को हम मुबारकबाद देते हैं। और साथ ही हमारे ऑनर लीडर जो आज ही ओथ लेकर श्रीनगर से वापस आ रहे हैं, हमारे एजाज अहमद जान साहब, तो मैं उनको भी मुबारक देता हूँ। और हमें उम्मीद है, तमाम जम्मू कश्मीर की पब्लिक को उम्मीद है कि जो इन 10 सालों में इस एलजी गवर्नमेंट थी, इनमें हम हाथ हुए, इनमें हमारी जो स्टेट अच्छी स्टेट थी वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। तो इस गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी पब्लिक के इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह जनाब वाला हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी ओथ जो है एज एमएलए की श्रीनगर में कल हुई, जिसमें जितने भी मेम्बरान थे उन्होंने अपनी जगह ओथ ली। और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इज्जत हमें बख्शी, और उसके बाद हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वो सुरनकोट हो, मेंढर हो, यहाँ पे जो हमारे खास करके मैं कहूँगा मेरे घर के मेरे वेलविशर हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे आजमी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने दुआओं में भी हमेशा मुझे याद रखा, और जहाँ इनको लगा कि मेरी सपोर्ट करनी चाहिए या जहाँ जहाँ तक इनके दोस्त रिश्तेदार थे वहाँ पे इन्होंने बात की, और तमाम जो यहाँ पे सुरनकोट में साथी हमारे बैठे हैं इन तमाम ने अपनी अपनी जगह कोशिश की, और इनकी कोशिश की वजह से जो ये नतीजा हमारा आया, हमारी जमात में सबसे ज़्यादा वोट जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से आया, और सबसे बड़ी लीड वो भी जो है वो हमारी ही दर्ज वहाँ पर हुई। और ये मैं जीत अपनी जीत नहीं समझता, ये तमाम जो हमारे साथी हैं मैं इनकी जीत समझता हूँ। ये जो मेरे बड़े भाई हैं मैं इनकी जीत समझता हूं, और इनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अब
जिस तरीके से इस जीत में इन्होंने ये मेहनत की है, आगे भी ये मुझे जो है पूरे गाइडेंस अपनी देंगे और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जैसी इनकी हिदायत होगी उसी तरीके से हम आगे ग्राउंड पर चलेंगे और जहाँ कहीं भी किसी को कोई परेशानी होगी, मुश्किलात होगी, वो किसी भी जगह से हो, मेरे को वो मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं उनकी जो है मुश्किलात दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आखिर में फिर से मैं इम्तियाज़ साहब का और इनके तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखा, हमारी बहन यहाँ पे आई है, मैं इसका भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे आई है और इंशाल्लाह कल ये भी कहीं अच्छी जगह होगी, तो इसको भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं लोगों की। और आखिर में फिर से मैं तमाम साथियों का जो सुनकोट के यहाँ पे आए हैं उनका भी जाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ।